गाइस मैं हूं कैफ फ्रॉम नॉइस टेक और ये है फायरबोल्ट की नई वॉच जागो मतलब राइज। ये फायरबोल्ट ने लॉन्च की है 2000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में, कॉलिंग फीचर के साथ आती है एंड इसको अब हमने तीन एक दिन तो आराम से यूज कर लिया है। इस वीडियो में आपको इस वॉच का असली सच बताया जाएगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर बात करेंगे, राइज यारा अडवाणी जी दिखेंगे, फायरबोल्ट का ब्रांडिंग शाइनिंग दिख जाएगा, इस साइड पे की हाईलाइट, इस साइड पे की हाईलाइट, इस साइड पे नो की हाईलाइट, इस साइड पे फिर से की हाईलाइट। डब्बे की बात करें तो डब्बा ऐसे खुलेगा, सबसे पहले ये खाली है क्योंकि वॉच ऑलरेडी हमने अनबॉक्स कर ली है। उसके बाद अंदर आपको आपका ये चार्जर मिल जाएगा और दस्तावेज बहुत सारे, यहाँ पे ये बहुत सारे सब्सक्रिप्शन कार्ड, वारंटी कार्ड ये सब मिल जाएंगे एंड देन आपको आपकी यूजर मैनुअल मिल जाएगी। इस बार मैनुअल मोटी है यार, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और हम पढ़ेंगे नहीं। ये पूरा आपको रेक्टेंगुलर डिजाइन मिलता है, पूरा मेटल है भाई, उसमें ये ग्लॉसी मेटल है, फिंगरप्रिंट से थोड़े से दाग आते हैं बट दिखने में अच्छी दिखती है। ये जो दो बटन है, ऊपर वाला बटन डिस्प्ले वेक एंड स्लीप का काम कर लेता है, ये नीचे वाला बटन आपको स्पोर्ट्स मोड में लेके जाएगा, स्पोर्ट मोड से बाहर लेके आएगा। ये ऊपर वाला बटन डिजिटल क्राउन का भी काम कर लेता है, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वॉच फेस चेंज होगा। उसके बाद मेन्यू के अंदर भी स्क्रोलिंग का काम कर लेता है, आवाज आती है। बाकी 22mm का स्ट्रैप है, IP67 की रेटिंग है, मेटालिक डिजाइन है। मेरे को लगा कुछ हुआ पर नहीं हुआ। नीचे का जो पार्ट है आपको प्लास्टिक मिल जाता है। इस वॉच का अगर हम वेट करें तो 51-52 ग्राम्स के आसपास का वेट देखने मिल जाता है, जो एक डिसेंट है। 51-53 ग्राम्स थोड़ा सा वेट आपको फील होगा, बट आपको अगर थोड़ी सी हैवी वॉचेस की आदत है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मिल जाता है आपको एक 1.85 इंचेस का डिस्प्ले, 240x280 का रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। रेस्ट टू एक की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा स्लो लगा, ऐसे लगा थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो सकता था, पर डेफिनेटली स्लो है। थोड़ा कभी कभी अनोइंग हो जाता है, ऐसा लगता है भाई बटन दबा के चालू कर लो और टाइम देख लो, आउटडोर में डिस्प्ले दिखता है। बहुत ज्यादा हैवी सनलाइट में शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बाकी नहीं तो नहीं होगा। बाकी डिस्प्ले का कलर्स अच्छे है, टच रिस्पॉन्स भी ठीक है, कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखा है। डिस्प्ले ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं फॉर द प्राइस, ये 8 to 8.5 out of 10 है। यस, ये एक TFT पैनल है। अगर सेंसर की बात करूं तो हार्ट रेट से स्टार्ट करें, बस ये स्टार्ट किया मैंने एंड इस वॉच ने वार्निंग दे दी कि वॉच को पहनो, बहुत जल्दी वार्निंग आ जाती है इसमें, ये काफी अच्छी चीज है। रिस्पॉन्सिव है ये वॉच, हार्ट रेट की ट्रैकिंग ठीक लगी, 3 से 4 हार्ट बीट ऊपर नीचे दिखी जब मैंने पल्स ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर किया, जो डिसेंट है। स्लीप ट्रैकिंग यहाँ पे डिसेंट है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग आपको मिल जाती है, उसी के साथ साथ ब्रीथ मॉनिटरिंग, रिलैक्सेशन वाला भी एक मोड मिल जाता है, आपको फीमेल मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग भी मिल जाती है एंड 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे UI की बात करूं तो भाई UI बहुत रिस्पॉन्सिव है, ऊपर से नीचे का स्वाइप, नीचे से ऊपर का स्वाइप भी बहुत रिस्पॉन्सिव है। ऊपर से नीचे थोड़ा सा कंट्रोल पैनल खुलेगा जहां आप मेन्यू का व्यू चेंज कर सकते हो, कॉलिंग वॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हो, उसी के साथ साथ सेटिंग में जाओ, ब्राइटनेस, ये सारी चीजें, अपना ई कार्ड तक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फ्लैशलाइट ऑन कर सकते हो। सेटिंग के अंदर गए, डिस्प्ले के अंदर आपको ब्राइटनेस, स्लीप की सेटिंग मिल जाएगी कितनी देर में डिस्प्ले बंद होना चाहिए। बाकी वॉच फेसेस की बात करूं, इस वॉच के ऊपर आपको 7 वॉच फेस मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको 8 मेन्यू के व्यूज मिल जाते हैं, ये बहुत ज्यादा है। मैं जनरली लिस्ट व्यू में ही रखता हूँ, पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आराम से जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। बाकी नॉर्मल सेटिंग, वाइब्रेट एंड रिंग की एक सेटिंग है कि आपको वाइब्रेशन कैसी चाहिए, रिंग कैसा चाहिए, ये सारी चीजें की भी सेटिंग यहाँ पे दी गई है, जो काफी अच्छी बात है। वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हो। होम स्क्रीन से अगर आप नीचे से ऊपर स्वाइप करोगे आपके पूरे मैसेजेस दिख जाएंगे, नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। राइट पे गए तो आप और कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने कॉलिंग का ऐड करके रखा है, उसके बाद आपको जो भी ऐड करना है बस वहां बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, उनको आप सिंगल टैप पे ऐड कर सकते हो। मेन्यू में एक चीज बड़ी अनोइंग लगी, पहले लेफ्ट स्वाइप करो बाद में ये ऑल एप्स के बटन पे जाओ तो आपको मेन्यू में लेके जाता है। 123 स्पोर्ट्स मोड्स मिल जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा है। खेलो कूदो दौड़ो कितना भी हो, हर चीज का स्पोर्ट्स मोड यहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी कॉलिंग का फीचर दिया गया है जो अच्छा काम कर लेता है। स्पीकर एंड माइक का क्वालिटी डिसेंट है, एक माइक टेस्ट बना रहा हूँ वो आप सुन लो। ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो, ये है माइक क्वालिटी फायरबोल्ट राइज की। काफी शांति है हमारे स्टूडियो में, कुछ भी चालू नहीं है, थोड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है। आप मुझे सुन के बताओ ये ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी, मतलब तेरे को कॉल क्वालिटी कैसी लगी? अच्छे से आ रही है, स्पीकर क्वालिटी थोड़ा सा दबा दबा लगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे, थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था 2000 के प्राइस के हिसाब से, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर रहता तो और मजा आता था। एक चीज मैंने याद देखी, आपने जो फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड किए उनके नाम आपको वॉच पे आते हैं, अगर आप कॉल कर रहे हो उनका कॉल आ रहा है, बाकी कॉन्टैक्ट्स के आपको यहाँ पे नंबर दिखते हैं, नाम नहीं दिखते, थोड़ी सी अनोइंग बात है ये। एंड दूसरी चीज, एक चीज मैंने यहाँ पे देखी, आप सपोज यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो या आपने म्यूजिक प्लेयर में कोई गाना सुन रहे हो, वो इस वॉच पे बजता है, ये चीज अनोइंग है और फायरबोल्ट ने इस चीज
इसके ऊपर काम करना चाहिए। फायरबोल्ट की सारी वॉचेस में मैंने ये इशू देखा है। बैटरी लाइफ की बात करूं, कंपनी क्लेम कर रही है 8 दिन की बैटरी लाइफ। मेरा यूजेज फुल ब्राइटनेस, रेस टू वेक ऑन, साथ ही साथ कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, ये सारे नोटिफिकेशन चालू थे एंड 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग। मुझे बैटरी लाइफ मिली 2 दिन के आसपास। कॉलिंग फीचर ऑन था, उसको ऑफ कर दो के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 3.5 दिन के आसपास की बैटरी लाइफ, विच इज वेरी गुड बैटरी लाइफ। 2000 रुपए की वॉच है। अगर कॉलिंग आपका प्रायोरिटी है, डेफिनेटली आप इस वॉच को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे असली सेंसर नहीं है। इसलिए अगर आपका सेंसर एक्यूरेसी जैसे SPO2 सेंसर चाहिए आपको, देन मैं बोलूंगा दूसरी कोई वॉच ले सकते हो। नहीं तो अगर कॉलिंग ही प्रायोरिटी है, देन डेफिनेटली 2000 रुपए में एक अच्छी डील रहेगी। और अगर आपको इसको बाय करना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।